दोस्तों ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का स्टेशन है, गाजियाबाद का स्टेशन है दोस्तों। चलो आज हम दोस्तों आपको आज इसका पूरी अपडेट देंगे, स्टेशन के काम की, कितने काम की प्रोग्रेस है। और दोस्तों तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए बाहर से तो पूरा कंप्लीट है, इधर का पूरा रेनोवेट का काम हो गया। पहले से भी जल्दी थी जिसमें ये शीशे वगैरह का काम बाकी था, ये लग रहा था ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए बाहर से पूरा रेनोवेट हो चुका है ऊपर से भी, और ये नीचे वगैरह के शीशे के काम भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे कोई काम नहीं कंप्लीट बचा है, बाकी ये जो बैरिकेडिंग लगी है ये भी शायद अब धीरे धीरे हटने लग जाएगी, ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, क्योंकि काम नीचे का सारा कम्प्लीट हो जाएगा तो पूरा ये बैरिकेडिंग हट जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसका उद्घाटन होने वाला है एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर उद्घाटन होगा दोस्तों, तो इसलिए सारी बैरिकेडिंग उसके बाद शायद हट जाएगी। दोस्तों हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका उद्घाटन होने वाला है, लेकिन इसमें इधर की साइड का पूरा काम अनकम्प्लीट है दोस्तों जी। ये देखिए अभी नीचे भी काम चल रहा है, इधर भी काम बाकी है। और दोस्तों ये ऊपर का ये पूरा रेलवे का भी काम बचा हुआ है, जैसे नीचे नीचे बोर्ड है ये इधर की साइड इधर काफ़ी बचे हुए। ये देखिए दोस्तों अभी नीचे ग्राउंड पे, ये ग्राउंड फ्लोर का है तो काफ़ी काम बचा हुआ, और ग्राउंड ये फर्स्ट पे अभी रेलवे का जो बाहर का काम है वो भी काफ़ी बचा हुआ है। जो वाइट वाश का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों ये फर्श वगैरह का काम तो इसका अभी अनकम्प्लीट है। लेकिन दोस्तों ये भी है कि ऊपर का काम कंप्लीट है। दोस्तों ये स्टेशन के पास ये भी काम चल रहा है इधर की साइड, ये शायद इसका कुछ आरआरटीएस का ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इसका काम भी कर रहे हैं दोस्तों। इस काम का पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे ये पिलर है और यहाँ से ये एग्जिट पॉइंट दें, एग्जिट एंट्री का कुछ यहाँ पे जीना दें, इधर ऊपर ये जीने का काम हो दें दोस्तों, यहाँ का काम बचा हुआ है। और इधर साइड ये पिलर वगैरह लग रहे हैं तो जीने का काम बचा हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो अभी इसके नीचे बड़ा काफ़ी काम बचा हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऊपर का काम तो लोग तो कंप्लीट है, जहाँ पे आरआरटीएस चलेगी तो ये धीरे धीरे शायद हो सकता है कि धीरे धीरे कंप्लीट होता रहे ग्राउंड फ्लोर वगैरह का, क्योंकि ये थोड़ा बाहर की साइड है, उधर आगे तो सारा काम कम्प्लीट है। ये देखिए और नीचे जो टैल बिछेंगे वो टैल वगैरह भी नीचे रखी हुई है। लेकिन दोस्तों स्टेशन का थोड़ा सा आगे काम पूरा उधर आपको दिखाएंगे, वो काम पूरा कंप्लीट है, ये थोड़ा सा इधर के बाहर की साइड का है। और दोस्तों थोड़ा सा काम इधर भी चल रहा है, ये भी आरआरटीएस का किसी चीज़ का। और दोस्तों ये देखिए इधर की साइड भी काफ़ी जो शीशे वगैरह का काम है ऊपर से इधर से काफ़ी बचा हुआ है। जो आगे का है वो पूरा कंप्लीट है, इधर का टैल वगैरह का एक काम रह रहा है इतने हिस्से का। और जो आगे है दोस्तों यहाँ पे वो सड़क वगैरह का काम, टैल वगैरह का ये आगे कंप्लीट है। लेकिन जो इधर का हिस्सा इसमें काफ़ी काम बचा हुआ। और दोस्तों अभी योगी जी भी आए थे तो उन्होंने भी काम की जायज़ा लिया था कि कितना काम अभी प्रोग्रेस बचा हुआ है। और दोस्तों अभी डेट पूरी आई नहीं है इसकी उद्घाटन की, कह रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर डेट आ जाएगी, तो दोस्तों देखते हैं।
और दोस्तों ये देखिए बाहर से पूरा रेनोवेट हो चुका है। और दोस्तों लेंथ वाइज में देखें तो ये साहिवाद से काफ़ी बड़ा स्टेशन है, साहिवाद से लंबाई में भी काफ़ी है दोस्तों, देखो काफ़ी लंबाई में काफ़ी बड़ा वो भी है, लेकिन ये तो उससे डबल से भी ज़्यादा है दोस्तों। वैसे काम तो दोस्तों भी बचा हुआ है काफ़ी, ऊपर कंप्लीट हो गया लेकिन नीचे अभी ग्राउंड वगैरह पे तो काफ़ी बचा हुआ है, इधर जो उधर शुरुआत में उधर भी काफ़ी बचा हुआ है दोस्तों। दोस्तों ये पार्किंग की जगह है, ये सारी पार्किंग की है, ये पार्क आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। और दोस्तों ये देखिए काफ़ी बड़ा है, और बाकी यहाँ इधर की साइड तो रेनोवेट का पूरा काम हो चुका है, जीने वगैरह का सारा, वाइट वाश का, ये नीचे जो ग्राउंड वगैरह का सारा काम हो चुका है, और वाइट पट्टी वगैरह जो भी है वो सारा कम्प्लीट है दोस्तों। और दोस्तों RRTS तो कई महीनों से उसका ट्रायल चल रहा है, क्योंकि पटरी वगैरह तो सारी कंप्लीट है दोस्तों। ये दुहाई से लेके साहिबाबाद तक का 17 किलोमीटर का उद्घाटन होने वाला है, और ये टोटल जो है ये 82 किलोमीटर है, और जिसमें 14 किलोमीटर दिल्ली के अंदर है, बाकी यूपी के अंदर है। और दोस्तों ये पूरा कम्प्लीट, बाहर से पूरा कम्प्लीट हो चुका है, गमले वगैरह इधर लग चुके हैं। देखिए दोस्तों, और दोस्तों अभी ये थोड़ा सा काम अनकम्प्लीट है, ये शायद यहाँ पे एग्जिट एंट्री का भी पॉइंट दे रहे हैं इधर बाहर की साइड सड़क के उधर की साइड, और ये शायद अभी काम इसमें समय लग जाएगा इसमें, लेकिन दोस्तों यहाँ से गेट से गेट नंबर 1-4 है, और इधर भी एग्जिट एंट्री है। दोस्तों यहाँ से तो पूरा स्टेशन के नीचे सारा यहाँ पे कंप्लीट है, टैल वगैरह का काम पूरा कंप्लीट है, और सारे कैमरे वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, लाइटिंग वाइटिंग सब कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों ये साइड में मेट्रो भी है, बगल से ये मेट्रो जा रही है, थोड़ा सा पीछे अर्थला का मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों वैसे काम तो काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन ऊपर का काम कंप्लीट है, क्योंकि RRTS जो उसका ट्रायल काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो दोस्तों ये थोड़ा नीचे का काम चलता रहेगा, उद्घाटन के बाद बाकी काम ये स्टार्ट हो जाएगा, और मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, शायद पहला टिकट वही खरीदेंगे, और वो पहली यात्री वही माने जाएंगे मोदी जी।
दोस्तों इधर तो ग्राउंड फ्लोर का पूरा काम कंप्लीट है, क्योंकि ग्राउंड में तो कुछ काम वैसे होना नहीं है दोस्तों। जो एंट्री एग्जिट है ऊपर से ये, और दोस्तों वैसे तो इसमें अभी जीने वगैरह पे जो टाइल वगैरह का काम है ग्राउंड पे वो काफ़ी बचा हुआ। ये देखिए ये जीने अनकम्प्लीट है, और इधर जो हम चल रहे हैं ये भी कच्चा है, इस पर टाइल वगैरह नहीं बिछी है। और दोस्तों इधर भी ये देखिए अभी मेन होल वगैरह भी खुले पड़े हैं, इधर सरियों का काम चल रहा है दोस्तों। तो काम के तो दोस्तों अभी काफ़ी बचा हुआ। काम तो दोस्तों इधर काफ़ी बचा हुआ है जीने वगैरह का पूरा। ये देखिए बहुत काम अनकम्प्लीट है दोस्तों। दोस्तों वैसे देखा जाए तो पार्किंग का स्पेस थोड़ा छोटा है, ये जो पार्किंग का स्पेस बनाया है हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा उधर दूसरी साइड भी स्पेस है उधर पार्किंग बना दे। अभी ये पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे पार्किंग का स्पेस स्टेशन काफ़ी बड़ा है और पार्किंग बड़ी छोटी है। तो दोस्तों बड़ी छोटी पार्किंग लग रही है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हो सकता है आगे भी थोड़ी सी पार्किंग बन जाए उधर भी, तो क्योंकि दोस्तों। और दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।